हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 5 और लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बहुत जल्द हमारे घर में ना न्यू बॉर्न बेबी आने वाला। तो जी हाँ, इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई एंड आज रात से ही मनीषा को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। एंड रात में हो रहा था बट उसको हल्का हल्का हो रहा था एंड अभी उसका लेबर पेन थोड़ा बढ़ गया तो उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एंड उसका जो दर्द है ना, वो देख के मेरे को ना अपना टाइम याद आ रहा था। बट ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया, बट हाँ जितना भी किया मैंने आज के दिन को थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की कि ये जो दिन है ना हमारे लिए मेमोरेबल बन जाए। सो उसको मम्मी लेके जा रही है अभी हॉस्पिटल। एम्बुलेंस आ गई है, मम्मी जा रही हैं, भैया जा रहे हैं और बस वो दोनों साथ में जाएंगे उसके। और बस भगवान से यहाँ पे प्रे ही कर सकते हैं। ये जो टाइम रहता है ना बहुत इमोशनल रहता है एंड थोड़ी तो घबराहट होती है कि बस सब अच्छे से हो जाए एंड माँ एंड बच्चा दोनों स्वस्थ हों एंड घर आ जाए अच्छे से। सो बस यहाँ पे एम्बुलेंस से मनीषा चली हॉस्पिटल के लिए एंड हमारे घर में अभी बच्चे सो रहे हैं क्योंकि सुबह का ही टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे थे 5 और ये देखो बच्चे यहाँ पे मस्ती करने में लगे हुए हैं। भैया उठो, छोटा बेबी आ रहा है। बोलो भैया उठो, छोटा बेबी को लेने चले हैं। अभी सो रहे हैं दो उसको, सो रहे हैं दो उसको, कूदने की पड़ेगी। इधर हिला, सुला दो भैया को, ऐसे सुला दो, थप्पी कर दो भैया को, ऐसे दुकान इधर। नहीं सोना नहीं है, उठो भैया। अच्छा उठ जा रे भाई, उठ जा। ए बेटा देखो ना, चाची है ना चाचू, दादी कोई नहीं है, सब लोग गए छोटा बेबी को लेने। वो भाई जगाने पे लगा, वो उड़ी नहीं रहा। उठ गए भैया, देखो देखो उठ गए भैया। कर लो प्यार। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और मनीषा को लेके पहले एम्बुलेंस में मनीषा चली गई। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने का बना लिया, नाश्ता पानी लेके जा रहे हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। उसको हो रहा है लेबर पेन एंड डॉक्टर ने टाइम दिया है 12 बजे के करीब उसका। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है उसका डिलीवरी के लिए। अभी मैं, पापा और ये हम तीनों जा रहे हैं और बाकी वो लोग एम्बुलेंस से निकल गए हैं। चलें, दीदी एंड बच्चे घर पर ही रहेंगे। अभी हम तीनों जा रहे हैं एंड मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है, वो सब पैक करके हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और सबसे पहले मैंने मम्मी को दिया, मैंने बोला मम्मी आप खा लो नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी रात से जाग रही हैं। और बस उसके बाद मम्मी ऊपर चली गई थी खाना मतलब नाश्ता जो लेके आई थी वो करने के लिए। और मैं यहाँ पर रूम के बाहर बैठ गई थी क्योंकि मनीषा को लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते, अलाउ नहीं थे एंड इतनी जगह भी नहीं थी यहाँ इतने लोगों को बैठने के लिए। डॉक्टर ने बोला है कुछ खिलाना पिलाना है तो अभी खिला दो क्योंकि डिलीवरी का टाइम है, थोड़ा सा नज़दीक आ रहा है। मैं दलिया बना के लेके आई थी, दलिया दे देते हैं उसको खाने के लिए। मम्मी ऊपर बैठी हुई है तो मैं मम्मी के पास आ रही हूँ। इसमें दलिया एंड इसमें लड्डू हैं, जो भी उसको खाना होगा एंड मतलब जो भी उसको खाने में अच्छा लगेगा वो खा लेगी। दोनों चीज़ें लेके आई हुई थी मैं एंड मम्मी को पोहा बना के लेके आई हुई। रात से ही उसको दर्द स्टार्ट हो गया था ना, तो उसने कुछ खाया भी नहीं एंड उसको अभी डिलीवरी के लिए भी टाइम था तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा बहुत उसको कुछ खाने को दे सकते। तो जो मैं दलिया बना के लेके आई थी उसने उसमें लड्डू डाल के खाया एंड जब उसको दर्द स्टार्ट हो रहा था ना तो वो फिर नहीं खा रही थी एंड अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो उसने फिर थोड़ा सा दलिया एंड लड्डू खाया और यहाँ पर बैठ के वो खा रही है। थोड़ी बहुत मेरे से बात कर रही थी। 12:01 पानी पी रही, पानी देख, कैसा लग रहा है, मम्मी बनने वाली है। सो गाइस, बस बहुत जल्दी हमारे पास भी हमारा बेबी आ जाएगा, उसको लेबर रूम में अंदर लेके गए हैं। बाकी मैं बैठी हूँ, मम्मी ऊपर बैठी हुई है क्योंकि ना मम्मी रात में बिल्कुल भी नहीं सोई थी, सुबह सुबह उनको चक्कर आ गया तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी आप ऊपर चले जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेबर रूम के अंदर। और बाकी ये दोनों नीचे चले गए हैं और पापा जी नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि वह बहुत सारे लोग बैठ सके, तो बस मैं ही बैठी हूँ और
लेबर बॉय है, वेट नहीं हो रहा है, वेट नहीं हो रहा है, कब छोटा बेबी से नीचे से ना। ओके, तो बस उसका टाइम आ ही गया है और थोड़ा बहुत दवाइयाँ मंगाई है, मेडिसिन वो लेके आती हूँ नीचे से। हम सारे लोग बैठ के वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे कि बस सब अच्छे से हो जाए, माँ एंड बच्चा दोनों हेल्दी हो एंड बस जल्दी से उन दोनों को देख लें। और बस यहाँ पे मेरी और मम्मी की थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, मम्मी से बोल रही थी मम्मी आप फिर से दादी बनने वाली हो, कैसा लग रहा है। सो हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं कब तक बेबी आने वाला है, क्योंकि इन्होंने लाइट चालू कर दी ना, वो लाइट चालू तभी करते हैं, ये सिकाई करते हैं ना मशीन से। आवाज आ रही थोड़ी ना, आवाज आ रही है, वो बंद कर लेंगे, पर्दा दिखाएंगे थोड़ी ना। देखो वो लेके आए, ओह कैच किया था, कैच किया हाथ में। सो यस गाइस, हमारा बेबी इस दुनिया में आ गया है एंड अभी डॉक्टरों के पास ही है, क्योंकि वो अभी उसको साफ सूफ करेंगे, थोड़ी देर सिखाई करेंगे एंड उसके बाद फिर फैमिली वालों को देते हैं। बट अभी पता नहीं है कि क्या है कैसा है, बट हाँ सब अच्छे से हो गया, इस बात की बहुत खुशी है। अरे वो अभी इनको नहीं पता ना, वो बाहर से आ रही है। अच्छा, वो है वो है। नर्स अंदर जा रही थी, बाहर जा रही थी, बट हमें ऐसा लग रहा था हमसे कोई बोल दे कि तुम लोग अंदर जाओ एंड अपने बच्चे को देख लो, बट वो अभी साफ़ सफाई करती हैं एंड उसके बाद ही फिर बेबी को देती हैं एंड बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के ही ना मन को सुकून मिल गया एंड बहुत अच्छा लग रहा था जब उसके रोने की आवाज़ सुन रहे थे। एंड यहाँ पे हम सारे लोग खड़े हुए हैं कि बस सामने से अगर बेबी भी दिख जाए ना तो बहुत खुशी हो जाएगी, बट यहाँ पे देखो हम सब लोग बातें करने में लगे हुए हैं एंड कितनी खुशी हो रही ना, इस मोमेंट को ना समझ सकते हैं आप कितनी खुशी होती है जब बेबी आता है इस दुनिया में। तो बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के ना मन को एकदम सुकून मिल गया, माँ एंड बच्चा दोनों बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और अभी बच्चा नहीं दिया क्योंकि उसकी सिकाई चल रही है एंड उसके बाद फिर हम सब लोगों को मिलाएंगे। एंड ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो आज का कैसा लगा है ज़रूर से बताना एंड हमारे छोटा बेबी के लिए ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारी ब्लेसिंग देना। और इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हम फेस रिवील करेंगे एंड जेंडर भी रिवील करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।